ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

जो सारे जहान का अकेला पालनहार है खालिक है मालिक है हाकिम है राजीख है सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर ख़ुसूसन आख़री नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन वो काम जो लानत का सबब बनते हैं और जिन कामों के करने से इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता इससे पहले इस सुनवान पर दो खुतबे आपके सामने पेश करने का मौका मिला है और आज इस सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है अब तक चौदह ऐसे काम बताए जा चुके हैं जो अल्लाह की लानत का सबब बनते हैं पंद्रहवा काम जो अल्लाह की लानत का सबब बनता है किसी मुजरिम को पनाह देना किसी बिदाती को पनाह देना किसी जालिम को पनाह देना जो दुनिया का, का कानून है इस मामले में इस्लाम का भी वही कानून है एक आदमी मुजरिम है अगर आप मुजरिम को पनाह देते हैं तो आप भी मुजरिम हैं एक आदमी जालिम है आप जालिम को पनाह देते हैं तो आप भी जालिम हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम की आपने फ़रमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आवा मुहदिसन अल्लाह के नबी वसल्लम ने उस शख्स पर लानत की है जो किसी बिदाती को पनाह दे जो किसी मुजरम को पनाह दे जो किसी जालिम को पनाह दे महदिसन का तर्जुमा बज लोगों ने जालिम किया है बज़ लोगों ने मुजरिम किया है बाद लोगों ने बिदाती किया लेकिन बिदाती जो है वो जालिम भी है मुजरिम भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदाती की तोीर करने से मना किया अगर कोई शख्स किसी बिदाती की इज़्ज़त करता है तो गोया कि उसने इस्लाम की इमारत को मुनहदिम कर दिया इज्जत के लायक नहीं होता उसने नबी अलैहि वसल्लम की शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश की है तो किसी बिदाती को पनाह देना किसी मुजरिम को पनाह देना किसी जालिम को पनाह देना अगर कोई शख्स करता है तो वो भी लानत का मुस्तक होता है इसी तरीके से कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत करता है तो उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है लाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लाना वालिदैह ये भी मुस्लिम की हदीस है जो अपने माँ बाप के ऊपर लानत मलामत करता है अल्लाह की लानत है उस शख्स पर अल्लाह के वसल्लम ने उस शख्स को मलून करार दिया साहबा ने पूछा किए अल्लाह के रसूल कौन बदनसीब होगा जो अपने मां बाप के ऊपर लानत मलामत करे तो हमारे नबी ने फरमाया हर एक्शन का रिएक्शन होता है आप किसी के मां बाप को बुरा भला कहते हैं आप किसी के मां बाप को लान तान करते हैं रिएक्शन में वो आपके मां बाप को बुरा भला कहता आपके मां बाप के ऊपर लान तान करता है तो आप सबब बने अपने मां बाप के ऊपर लान तान होने का इसलिए किसी के माँ बाप के ऊपर लान तान न करें आप उसके माँ बाप के ऊपर लान तान करेंगे वो आपके ऊपर आपके माँ बाप के ऊपर लान तान करेगा ऐसा शख्स मलून है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि किसी के माबूद को बुरा भला मत कहो जबकि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है हम तो यही जानते हैं ना कि अल्लाह के अलावा जो भी हैं उनकी मुखालफत की जाए उनकी हिजो की जाए अल्लाह के नबी फरमाया किसी के माबूद को बुरा भला मत कहो गर्चे वो गलत है क्यों इसलिए कि तुम उसके माबूद को बुरा भला कहोगे रिएक्शन में वो तुम्हारे माबूद को बुरा भला कहेगा हालांकि उसका मबूद गलत है और तुम्हारा मबूद बरहक है तो तुम अपने महबूत के बुरा भला कहने का सबब बने इसलिए आप अपनी बात मुस्बत अंदाज में रखिए आप अपनी बात पॉजिटिव पहलू से पेश कीजिए किसी को बुरा भला कह के आप अच्छे नहीं बन सकते किसी को बुरा भला कहकर हम अच्छे नहीं बन सकते तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया ला रसूल सलादही अल्लाह के नबी ने उस पर लानत की है जो अपने वालदे के ऊपर लानत करता है मैंने वजह बता दी इसी तरीके से लाना लानल्लामनार मन अल्लाह के नबी ने उस शख्स के ऊपर भी लानत की है जो रास्ते के निशानात को बदल देता जमीन के निशानात को बदल देता है कैसे कुछ आदमियों का बंटवारा था अब बंटवारा करने के बाद कोई निशान लगा दिया जाता है कोई पत्थर रख दिया जाता है ये जमीन आपकी है ये जमीन हमारी है आपने किसी के अदम मौजूदगी में वो पत्थर हटा दिया ताकि जो निशान था वो मिट जाए ऐसा शख्स मलून है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं या इसी तरीके से मन मनार जो शख्स रास्ते के निशानात को मिटाता है हम सफ़र करते हैं आप सफ़र करते हैं रास्ते में बोर्ड लगे होते हैं ये रास्ता फला शहर की तरफ जा रहा है फला शहर का डिस्टेंस उसका फासला इतना किलोमीटर है आदमी रास्ते पर जाते हुए बोर्ड देखता है किलोमीटर देखता है फासला देखता है। किस लिए बनाया गया है लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया अब एक शख्स क्या करता है बोर्ड को हटा देता है एक शख्स क्या है किलोमीटर का जो पत्थर है उसको हटा देता है या उसके ऊपर स्याही मार देता है ताकि लोगों को मालूम न पड़े बज़ाहिर ये अमल बहुत मामूली है लेकिन ये लोगों को तकलीफ पहुंचाने की वजह से ऐसा करने वाला क्या हो जाता है मलून हो जाता है लान अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो निशानात को बदल दे यानी ज़मीन के निशानात को बदल दे चाहे वो जमीन के हों या रास्ते के हों तो हमें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें इसी तरीके से अठारहवा काम जो लानत का सबब बनता है गैर-फितरी तरीके से अपनी शहवत को पूरी करना दुनिया में जितने मखलूक़ हैं हर एक के अंदर अल्लाह ने नफसानी ख्वाहिशात रखा है शहावत रखा है इंसान नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों में भी ये सिफत है एक आदमी जवान होने के बाद उसके ख्वाहिशात होते हैं उसके शहवात होते हैं चाहे वो मर्द हो या औरत शरीयत ने हुक्म दिया है कि लड़का हो या लड़की अगर जवान हो जाए तो उनका निकाह कर दो शर्यी तरीक़े से वो अपनी शहबत को पूरी करें लेकिन बार बार बताने के बावजूद भी वालदे इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं जिसकी वजह से बेहयाई फैलती है बेशर्मी फैलती है बच्चा जवान हो गया बच्ची जवान हो गई अगर जायज़ तरीके से वो अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं करेंगे तो गलत रास्ता अपनाएंगे तो गैर फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करना अपनी शहाबत पूरी करना ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत है उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रमायान अमिला अमिला कौम लू तीन सलासन बुखारी, सही बुखारी की हदीस है नबी ने तीन मरतबा फरमाया उस शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत है जो कौम लूत वाला अमल अपनाता है कौम लूत वाला अमल क्या है? हैतलूत अलीस्म पैगंबर थे उनकी कौम के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ थी उन बुराइयों में एक भयानक बुराई ये थी कि वो औरतों से अपनी शहाबत पूरी करने के बजाय अपने ही हम जिन से यानी लड़कों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे कितनी बड़ी बेहयाई है कितनी बड़ी बेशर्मी है आज भी समाज और माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो लड़कों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते मलून हैं ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं ऐसे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया बल्कि आपने फरमाया कि ऐसे लोगों को पहाड़ पर ले जाए और वहां से ढकेल दें वो मर जाए समाज और माशरे में ऐसे बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं जो लूती अमल करते हैं कौम लूत वाला अमल करते हैं मेरे भाइयों अगर कोई शख्स मौजूद हो तो तोबा कर ले ये गैर फितरी अमल है मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करना लेकिन अफसोस तो उस वक्त होता है जब ऐसा काम करने वालों को मौके फराहम किए जाते हैं। बहुत सारे ममालिक में बाकायदा ये प्रस्ताव पास किया गया कि अगर कोई अपने हम जिस से मर्द मर्द से शादी करना चाहे तो उसको कानूनी तौर पर इजाजत है बताइए ये जमीन बाकी है यह आसमान बाकी है ऐसी ऐसी जमीन और ऐसे आसमान पर अल्लाह का अजाब आ जाना चाहिए जो कानून फितरत से बगावत करते हैं और आपको मालूम होना चाहिए हमारे मुल्क में भी ये कानून पास कराने की कोशिश की गई कि एक मर्द अपने अपने ही हम जिस मर्द से अगर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो उसको कानूनी तौर पर हक़ दिया जाए लेकिन यहाँ की आवाम ने उसको नकार दिया और ये पास नहीं हो सका मेरे भाइयों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़कों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को मलून करार दिया कौम लूत पर इसी वजह से अल्लाह का आजाब आया उनकी बस्ती को आसमान की तरफ उठाया और पलट दिया गया और उनको धंसा दिया गया उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई और आज उनकी बस्ती गंदी झील में मौजूद है मेरे भाइयों तोबा करो अल्लाह से इसी तरीके से प्यारे नबी ससल ने फरमाया मुस्त अहमद इबन हम्बल की हदीस है मन मन मौका बही मतिन जो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी जानवर पर सवार होता है ऐसे कैसे कैसे लोग हैं जानवर से अपनी ख्वाहिश पूरी करना जब इंसान शहवत में मुबतला होता है तो उसे उसे याद नहीं रहता है कि वो इंसान इसीलिए कहा जाता है वक्त पर शादियां करो वक्त पर शादियां करो अपने बच्चों और अपने बच्चियों की हिफाजत करो मलून होने से बचाओ अल्लाह के नबी ने फरमाया मल वक़ाला बही मतिन जो किसी जानवर से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है वो मलून है अल्लाह की रहमत से मरहूम है महरूम है वो मल मन अमिला अमिला कौम लूतिन जो कौम लूत का अमल अपनाता है वो भी मल है इसी तरीके से प्यारे नबी ने फरमाया सोना अबू दाऊद की हदीस है मलरोन उन मन आता इमरातन तनफी दुब रिहा बीवी से शादी तो किया लेकिन शहाबत पूरी करने का रास्ता बदल दिया अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी मलगौन है मेरे भाइयों मॉडर्न जहन रखने वाले मॉडर्न लोग दुनिया को बेहया बनाना चाहते हैं आज बहुत सारे लोग अंग्रेजों की नकाली करते हुए गैर फितरी तरीके से अपनी शहवत को पूरी करने की कोशिश करते हैं अल्लाह तबारक वाली ने मियाँ और बीवी के साथ हम बिस्तरी करना उनको उनका तरीक़ा बताया हमारे नबी ने तरीक़ा बताया हमारी शरीयत में कोई भी चीज़ छुपी नहीं है और बहुत सारे लोग सोचेंगे ऐसी बातें क्यों बताई जाती हैं एक तो हमारे नौजवान दीनी इल्म से दूर हैं और दूसरे ये इल्म ना होने की वजह से वो लानत का सबब बनते हैं उनके ऊपर भी लानत होती है उनके घरों पर भी लानत होती है मेरे नौजवानों ये बात सुन लो अगर अपनी बीवी से गैर फितरी तरीके से उसके पीछे के रास्ते से अगर कोई शख्स अपनी शहावत पूरी करता है अल्लाह के नबी ने फरमाया मलून वो भी मलऊन है बीवी आपकी है लेकिन तरीका आपने बदल दिया गैर फितरी अमल अपनाया आपने लिबात वाला अमल अपनाया अह के नबी ने फरमाया मऊन है ये उस अबू दाऊद की हदीस है तो समाज और माशरे को इन चीज़ों से आगाह करना ज़रूरी है अल्लाह के नबी ससर फरमाते हैं अल्लाह ताला अल्लाह ताला सही बात बताने में शर्माता नहीं है और मैं भी सही बात बताने में शर्माता नहीं हूँ इसलिए मेरे भाइयों हमारे लिए भी जरूरी है कि कौमों की सलाह के लिए सही बातें लोगों को बताएं वरना अनजाने में लोग ऐसी गलतियां करेंगे जो खुद भी लानत का सबब बनेंगे अपने घर पर भी लानत का सबब बनेंगे इसी तरीके से वनस्वा काम जो लानत का सबब बनता है किसी मुसलमान भाई पर असलहा तान लेना किसी मुसलमान को कत्ल करना ये कुफ्र है सिबा बुलमो मिनी व लोहू कुफर किसी मोमिन को गाली देना यह गुनाह का काम है और उसको कत्ल करना यह कुफर का काम है कत्ल नहीं आपने सिर्फ उसको डराने के लिए आपने उसको धमकाने के लिए उसको खंजर दिखाया बंदूक दिखाया तलवार दिखाया आपने चाकू दिखाया मार दूंगा तुझे है? अल्लाह के नबी ससुर ने फरमाया ऐसे शख्स के ऊपर भी अल्लाह की लानत मेरे भाइयों के नबी सल्लासलम ने मुसलमानों के माल जान और इज्जत तीनों का एहतराम करने का हुक्म दिया है आज ये तीनों चीजें महफूज नहीं है माल हम मुसलमान का नाजायज तरीके से ले लेते हैं उसकी इज्जत हम सरे मजलिस उछाल देते हैं और बहुत सारे लोग उनकी जानों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं एक मुसलमान की जान की हिफाजत करना उसके माल की हिफाजत करना और उसके इज्जत आबरू की हिफाजत करना दूसरे मुसलमान के लिए जरूरी है अपनी मजलिसों में बैठ करके हम जो दूसरों की गिबतें और चुगलियां करते हैं उनकी इज्जतों को नीलाम करते हैं बाज आ जाए बाज आ जाए प्यारे नबी ने फरमाया मन अशारा इलाखी है बेहदीदिन अगर किसी ने अपने भाई की तरफ खंजर से इशारा किया फिनल मलाई कल तहिया तो फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं यहाँ तक कि वो इस अमल से बाज आ जाए वहीं उम्म ही वह अभी ही अगरचे उसका अपना सगा भाई क्यों ना हो सही मुस्लिम की हदीस है तो खंजर दिखाना ये भी लानत का सबब बनता है बंदूक दिखाना ये भी लानत का सबब बनता है चाकू दिखाना यह भी लानत का सबब बनता है आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं इरादा नहीं था सिर्फ डरा रहा था यह डराना भी लानत का सबब बनता है हमें चाहिए कि इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें <स्थिण> बीसवा काम जो इंसान के लिए लानत का सबब बनता है अपने वालिद को छोड़ करके किसी और की तरफ नस्बत करना नहीं फला मेरा बाप है इससे पहले भी बताया जा चुका है बहुत सारे लोग हैं मेरे भाइयों आप सोचें कि ये सब मामूली बात है हमारे लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं अपने बाप को छोड़ करके दूसरों को अपना बाप बताते हैं उनकी तरफ निस्बत करते हैं बताया गया समझाया गया लेकिन इंसान मजबूर है गलतियां करता है मानता नहीं है प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया अपने बाप को छोड़कर दूसरे को अपना बाप कहने वाला उसकी तरफ नस्बत करने वाला मलून है अल्लाह के नबी ससम फरमाते हैं सही मुस्लिम की हदीस है मनि इला अभी ही अगर कोई शख्स अपने बाप को छोड़ करके दूसरों को अपना बाप बताता है फाला उसके ऊपर अल्लाह की लानत है वलमलाईकती फरिश्तों की लानत है व से और तमाम लोगों की लानत है। आपको किसी ने पाला है वो आपका सरपरस्त है आपकी किसी ने परवरिश की है वो आपका मुरब्बी है बाप नहीं हो सकता है मेरे भाइयों हमारे नबी के जैसा सरपरस्त हमारे नबी के जैसा मुरब्बी कौन हो सकता है हजरत जैद आपकी खिदमत करते थे जब उनके घर वालों को मालूम हुआ बेटे की आजादी के लिए आए अल्लाह के नबी ने फरमाया जैद देखो ये तुम्हारे मां बाप हैं ये तुम्हारे चचा और रिश्तेदार हैं अगर तुम इनके साथ जाना चाहो तो जा सकते हो मुझे कोई एतराज नहीं है। हारसा ने क्या कहा प्यारे नबी आपने जो मुझे मोहब्बत दी है आपने जो मुझे शफकत का शवकत का मामला किया है मैं आपको छोड़कर अपने घर वालों के साथ नहीं जाऊंगा अल्लाह तो। नबी ने कैसी मोहब्बत दी होगी नबी ने कैसी शफकत की होगी हजरत जैद ने अपने खानदान के लोगों के साथ जाने से इनकार कर दिया हारसा बेटे की आजादी की खातिर आए हैं जैद को लेकिन गुलामी का समर अच्छा लगा हजरत जैद कहते हैं नहीं अल्लाह की रसूल, मैं आपको छोड़कर नहीं नबी की शफकत बेदार हुई नबी ने कहा आज से जैद मेरा गुलाम नहीं मेरा बेटा है साहब के राम सैद बिन मोहम्मद कहने लगे हदीस पढ़िए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयत उतारी कोई भी आदमी किसी के अल�... अपने बाप के अलावा किसी को अपना बाप नहीं कह सकता है हमारे नबी ने कहा जो लोग जैद बिन मोहम्मद कहते थे वो बदल दें जैद इबन हारिसा कहें मैं जैद का मुरब्बी हूं मैं जैद का सरपरस्त हूं जैद का बाप नहीं हूं इसलिए जो लोग गैरों को अपना बाप कहते हैं तोबा कर लें वरना लानत के मुस्तक होंगे सही मुस्लिम की हदीस है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना मनवरा जिसको नबी मदीन, कहते हैं पहले इसका नाम यशरीफ था जब आप सल्म मदीना गए तो आपने उसको नबी कहा यानी ये नबी का शहर है और आज तक उसको मदीना ही कहा जाता मदीना मनवरा मदीना शरीफ क्या क्या लानत करते हैं बर मदीना ये उसके अंदर कोई हराम काम करना कोई जुर्म का काम कोई जुल्म का काम करना कोई बिदात ईजाद करना या किसी बिदाती को या किसी मुजरिम को पनाह देना ये भी लानत का सबब है बहुत सारे लोग बिदातें कर कर के आदत होती है यहाँ भी वही करते हैं वहाँ भी जाके वही करते हैं वसल्लम के रोज़े पे जाते हैं क्या क्या करते हैं कितनी बिदातें करते हैं कैसी कैसी हरकतें करते हैं अल्लाह हिफाजत है फरमाए तो मदीने के अंदर कोई बिदात करना मदीने के अंदर कोई जुर्म करना मदीने के अंदर किसी मुजरिम को पनाह देना मदीने के अंदर किसी बिदाती को पनाह देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को भी मल कहा है आपने फरमायालमदीन तो हरम मा बई न आन और मकाम सौर से लेकर के मकाम आयर तक ये जितना हिस्सा है हरम है जिस तरीके से मक्का हरम है इसी तरीके से मदीना भी हरम है किसने कहा हमारे नबी ने एक हदीस में कहा मक्का को इब्राहिम ने हरम करार दिया था और मदीना को मैं हरम करार देता हूँ मेरे भाइयों मदीने का वो हिस्सा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया है मकाम से लेकर के मकाम सौर तक इस दरमियान ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे नबी ने मना किया आपने फरमाया फम अहद सफी या हसन अगर कोई शख्स यहां कोई बिदात का काम करता है या कोई जुर्म का काम करता है या जुल्म का काम करता है औ आ वाह या किसी बिदाती को पनाह देता है किसी मुजरिम को किसी जालिम को पनाह देता है फलत उसके ऊपर अल्लाह की लानत है वलमलाईकती फरिश्तों की लानत है वल ना से अजमाइन और तमाम इंसानों की लानत है वला यकबल्लाउमल क्या सही बखारी सही मुसलिम की हदीस है क्यामत के दिन अल्लाह उसकी कोई भी नेकी कबूल नहीं करेगा कितना बड़ा जुर्म है हम जाते हैं मक्का मदीना बहुत सारी नेकियां करते हैं समझते हैं हम गुनाहों से पाक हो गए गुनाहों से पाक यकीनन हो जाता है लेकिन कब जब बिदअतों से अपने आप को पाक करे अपने आप को बिदअतों से बचाए नबी ने फरमाया किसी बिदाती को पनाह देना बिदात का काम करना जुर्म का, का काम करना मुजरिम को पनाह देना मदीने के अंदर अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत है फरिश्तों की लानत है तमाम इंसानों की लानत है और उसकी कोई भी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करेगा मेरे भाइयों इतनी नेकियां करके अगर क्यामत के दिन हम अल्लाह के सामने पहुंचे और अल्लाह ताला ने तमाम नेकियों को बर्बाद कर दिया तो हम क्या करेंगे बहुत सारे लोग होंगे जो नेकियां तो लेकर जाएंगे लेकिन उनकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगी नेकियां करना असल नहीं है नेकियों की हिफाजत करना नेकियों को बचा कर रखना यह असल है बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते हैं हमें चाहिए इस सिलसिले में तवज्जो दे और अपनी नेकियों को बचाने की कोशिश करें कुछ खवातीन हैं वो कुछ अमल करती हैं जिसकी वजह से कुछ खवातीन को अल्लाह के नबी ने मलओन करार दिया मेरी बाएं बहनें मेरी बात गौर से सुनें और आप हजरात भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर हमारे घरों से हम जब आते हैं हमारे घर की खवातीन भी आती हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद तो आते हैं लेकिन उनकी घर की खवातीन नहीं आती तो मेरा पैगाम पहला पैगाम तो यही है कि जब भी आप जुमा के लिए आए अपनी घरवालियों को भी लेकर आए ये नबी की सुन्नत है ये नबी की सुन्नत है इल्ला ये की कोई उज्र हो लेकर के आना ताकि दीन की बातें जो आप सुनते हैं आपकी घरवालियां भी सुनें तो जो आ गई हैं वो सुन लेंगी जो नहीं आई हैं आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर की खवातीन को बता दें कि कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलओन करार दिया इसलिए आप भी गौर से सुनाए हमारी माएं और बहनें भी गौर से सुनाएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया अब्दुल्लाह अब मसूद की हदीस है लान वाशिमात अल्लाह की लानत है गोदना गोदवाने वाली पर गोदना गोदने वाली पर वलवाशिमात वलमस्तवीमा वल मु, तशिमात गोदना गोदने वाली पर और गोदना गोदवाने वाली पर हसन और खूबसूरती के लिए बाज लोग गोदना गोदवाते हैं या आज के जमाने में टैटो बनवाते हैं किसके लिए हुस्न के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत है उस औरत पर जो बनाती है जो बनवाती है दोनों के ऊपर लानत है वल और उन औरतों पर भी लानत है जो अपने चेहरे के बाल उखड़वाती हैं उखाड़ती हैं उखड़वाती हैं हसन और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मुतफल वलमतफल लिल लिलहस्न और खूबसूरती के लिए अपने दांतों को बारीक करवाती हैं और दांतों के दरमियान फासले करवाती हैं वलमतराती खलकल्ला और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करती हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है आज कितनी औरतें हैं जो अपनी भावों को बारीक करवाती हैं आज कितनी औरतें हैं जो टैटो बनवाती हैं आज कितनी औरतें हैं जो अपने चेहरों के बाल उखड़वाती हैं बहुत सारी खातिन ये पहले हदीस पेश की गई है बहुत पहले बहुत सारी खवतानी ये समझती हैं कि अपने शोहरों को खुश करने के लिए यह चीज जायज है अपने शोहरों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज करना जायज हो सकता है क्या बहुत सारी खवातीन यह सोचती है हम अपने शोहर को खुश करने के लिए यह काम करते हैं मखलूक फी अल्लाह की नाफरमानी करते हुए किसी इंसान की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी मेरी माए मेरी बहनें मेरी बेटियां तोबा कर लें टैटो बनवाना गुदना गुदवाना गुदना गोदना भावों को उखड़वाना दांतों को बारीक करना चमकीला बनवाना दातों के दरमियान फासिले करवाना हुस्न और खूबसूरती के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है मेरी माएँ मेरी बहनें चंद दिनों के हुस्न के लिए अपनी आखरत को बर्बाद न करो अपनी आकबत को बर्बाद न करो इसी तरीके से अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया उस औरत पर भी अल्लाह की लानत है जो अपने बाल बड़ा करने के लिए विग लगाती है अलग से बाल जोड़ती है ताकि लोगों को धोखा दे कि मेरे बाल बड़े हैं इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के बारे में फरमाया उसका शौहर रात को उसको अपने बिस्तर पर बुलाता है ताकि अपनी ख्वाहिश पूरी करे लेकिन यह औरत गैर शराी उज्र के बावजूद भी अपने शोहर की बात को मानने से इनकार कर देती तारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह तक फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते रहते हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस ये बातें हम मामूली समझते हैं ऐसी औरतें जो अपने शोहरों के बातों का इनकार कर दें उसकी ख्वाहिश न पूरी करें प्यारे नबी ने फरमाया सुबह तक फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं मेरी माओ और बहनों तोबा करो अल्लाह के नबी असरम फरमाते हैं दो किस्म के लोग हैं मेरी उम्मत में मैंने उनको नहीं देखा है मेरे जमाने में वो लोग नहीं हैं बाद में आएंगे एक मर्दों में से होंगे एक औरतों में से होंगे मर्दों में से कौन होंगे मर्दों में से वो होंगे जिनके हाथ में गाय की दुमों की तरह कोड़े होंगे यानी जालिम बादशाह जिनके हाथ में हमेशा हंटर रहेगा जिनके हाथ में हमेशा कोड़ा रहेगा वो अल्लाह के बंदों पर जुल्म करेंगे किसने आपको यह हक दिया कि किसी के ऊपर जुल्म कराएं किसने आपको यह हक दिया कि आप किसी को मारें? प्यारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में वो लोग पैदा होंगे जिनके हाथों में गाय की दुमों की तरह कोड़े होंगे जिसकी वजह से वो लोगों को मारेंगे जिससे मारेंगे जुल्म करेंगे ये लोग जन्नत में जाना तो दूर की बात है जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे तो मर्दों के लिए एक बात बताई नबी वसल्लम ने कहा औरतों में भी कुछ लोग होंगी कुछ औरतें होंगी वो औरतें कौन होंगी प्यारे नबी ने फरमाया कहा आर्या त माइलात वो औरतें जो कपड़ा पहनेंगी फिर भी नंगी होंगी काशियातुन आरिया कपड़ा पहन के भी नंगी रहेंगी और आज इतने बारीक कपड़े इतने चुस्त कपड़े इतने नट के कपड़े चल रहे हैं आप जानते हैं कि औरतें कपड़ा पहनकर भी नंगी रहती हैं और बास ख़वातीन तो इतने छोटे कपड़े पहनती हैं जिसम का ज़्यादा हिस्सा दिखाई देता है और बहुत कम हिस्सा ढका हुआ रहता है अफसोस उस वक्त होता है जब हमारी मुस्लिम खातन भी गैरों की नकाली करते हुए इस तरह के लिबास पहनती हैं मेरी माँ बहनों तोबा कर लो कहीं ऐसा ना हो चंद दिन की दुनिया की लज्जतें आपकी आखरत को खराब कर दे प्यारे नबी ने फरमाया ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनेंगी फिर भी नंगी होगी मोमी लातुन माइला दूसरों की तरफ खुद मायल होंगी मायल होंगी और अपनी तरफ लोगों को मायल करेंगे ये कपड़े पहन करके अपने हुस्न का इजहार करके लोगों को अपनी तरफ मायल करेंगी खुद भी उनकी तरफ मायल होंगे प्यारे नबी ने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात है जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम को तौबा करने की तौफीक नायत फरमाए उन तमाम कामों से बचने की तौफीक नायत फरमाए जो लानत का सबब बनते हैं अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिलखैर पर हो रबना तो कब्बल मन्ना इन न कांत समी उलिम वतुबालीना कांतः तो्रहीम ब्रह्मी का या अरहमर राहम नामीन الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى, ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتعيد ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه